छात्र वर्ग को जल्द से जल्द किया जाए वैक्सीनेशन। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर युवा कांग्रेस जिला महासचिव रितेश कुमार चौहान ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुजानपुर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने छात्रों को प्रमोट करने की बात लिखी और साथ ही उन्होंने छात्रों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के चलते जो छात्र अपने परिजनों को खो चुके हैं उनकी एक वर्ष की फीस माफ होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य होने के कारण बहुत से गांव कस्बे ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में भी परेशानी होती है। हमारी सरकार से मांग है कि कोरोना महामारी के विपरीत परिस्थितियों में पिछले वर्ष की तरह इस साल भी छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे। देखिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। आज सुजानपुर विकास खंड अधिकारी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छात्र हितों को सोचते हुए सरकार से मांग की गई कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए और जल्द से जल्द छात्रों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही हमने सरकार से मांग रखी कि जो इस कोरोना जैसी महामारी में अपने परिजनों को खो चुके हैं उन छात्रों की एक वर्ष की फीस जो है सरकार माफ़ कर दे। हिमाचल एक विभिन्न परिस्थितियों वाला राज्य है और बहुत से गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, जिसके चलते छात्र अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार को चाहिए कि वो छात्रों के हित के लिए इस वर्ष भी उन्हें प्रमोट